नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विच इज़ द बेस्ट कोर्स फॉर होटल मैनेजमेंट। हमारा आज का क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोर्सेज दैट कैन बी टेकन इन अ होटल मैनेजमेंट कोर्स। होटल मैनेजमेंट कोर्स में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं? तो दोस्तों, होटल मैनेजमेंट कोर्स में चार तरह के कोर्सेज होते हैं। सबसे पहले बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, दूसरा होता है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, तीसरा होता है बीएससी इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग, चौथा होता है बीबीए इन होटल मैनेजमेंट। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे बैचलर इन होटल मैनेजमेंट की। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे इन चारों चीज़ों के बारे में। चारों जो भी चार कोर्सेज होटल मैनेजमेंट में अवेलेबल हैं उनके बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे क्वेश्चन करो, मैं नीचे इनबॉक्स में रिप्लाई करूंगा, या फिर आपको मैं वीडियो के थ्रू नेक्स्ट आपका उसका आंसर दूंगा क्वेश्चंस का। जहां तक मुझसे हो पाएगा दोस्तों, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो नोन एज द BHM कोर्स। इट इज़ अ रेगुलर फुली रेजिडेंशियल 4 ईयर्स लॉन्ग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। दोस्तों, ये 4 साल का कोर्स होता है। 4 साल का कोर्स डिवाइड किया जाता है 8 सेमेस्टर्स में। 8 सेमेस्टर्स में स्टूडेंट्स को डिफरेंट थ्योरिटिकल सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल क्लासेस दी जाती है। ये कोर्स स्किल्स डेवलप करता है जो ग्रेजुएट स्टूडेंट होटल में और टूरिज्म मैनेजमेंट सेक्टर में जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो इसमें पढ़ाए जाते हैं वो होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि इंग्लिश, फूड प्रोडक्शन थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, हाउसकीपिंग, फ्रंट एंड ऑपरेशंस, मैनेजमेंट स्किल्स, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस, बिजनेस एथिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशंस, ट्रेवल मैनेजमेंट, इंटरप्रेन्योरल स्किल्स। दोस्तों, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको इसमें पढ़ाए जाते हैं बैचलर इन होटल मैनेजमेंट में। दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है कि आप इस कोर्स को कर कौन सकता है। तो दोस्तों, जो भी बच्चे 12th पास आउट करते हैं, वो किसी भी स्ट्रीम से हो, वो बस 12th पास आउट करते ही वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी स्ट्रीम से पास आउट किया हुआ बच्चा इस कोर्स को अप्लाई कर सकता है। इसको अप्लाई करने के लिए 45 to 50% मार्क्स 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में होने चाहिए। दोस्तों, अब हम आते हैं डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट 4 ईयर्स लेती है कोर्स को कंप्लीट करने में। लेकिन जो लोग ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते या नहीं कर पा रहे होते हैं, उनके लिए डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट प्रोग्राम इज़ द राइट सॉल्यूशन। ये 1 साल का कोर्स होता है। 1 साल में बच्चे को थ्योरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों की नॉलेज दी जाती है। लेकिन डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट उतना वैल्यूएबल नहीं होता है जितना कि एक बैचलर डिग्री होती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पढ़ाए जाते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम में, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। फ्रंट ऑफिसर ऑपरेशंस, मैनेजमेंट स्किल्स, एचआर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशंस स्किल्स, फूड प्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, अब इसमें भी यही सेम क्वेश्चन आता है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है इस कोर्स को। दोस्तों, इसमें भी सेम वही प्रोसेस होता है। किसी भी स्ट्रीम से 12th कंप्लीट करने के बाद बच्चा इस कोर्स को कर सकता है। दोस्तों, डिप्लोमा में ये होता है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स में 10th स्टैंडर्ड पास स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, फिर हम आते हैं BSc इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग पे, जो कि हमारा तीसरा कोर्स है होटल मैनेजमेंट में। दोस्तों, BSc इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग, ये 3 साल का कोर्स होता है। ये BHM प्रोग्राम से 1 साल छोटा प्रोग्राम होता है, लेकिन DHM प्रोग्राम से ज़्यादा टाइम लेता है कंप्लीट होने में। सभी प्रोग्राम से ये प्रोग्राम की थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इसमें जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, होटल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, गेस्ट मैनेजमेंट, फूड प्रोडक्शन, ट्रेवल मैनेजमेंट,
हाउसकीपिंग, अकाउंट्स, टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। दोस्तों इसमें भी सेम क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन कौन एलिजिबल होता है इस कोर्स को करने के लिए। तो दोस्तों इस कोर्स को भी किसी भी स्ट्रीम से 12th पास आउट किया बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों हमने बात कर लिया अब तीन चीज़ों की, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, बीएससी इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग। दोस्तों अब हमारे पास बचता है एक और ऑप्शन और वो है बीबीए इन होटल मैनेजमेंट। दोस्तों बीबीए इन होटल मैनेजमेंट स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीबीए स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज़ एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम दैट लास्ट 3 ईयर्स। ये 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। अगर आप होटल मैनेजमेंट फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो आप बीबीए के लिए जाओ। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस कोर्स में आते हैं वो हैं टूरिज्म मैनेजमेंट, होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ट्रेवल मैनेजमेंट, पीआर, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों इस कोर्स को कौन कर सकता है ये क्वेश्चन भी सेम यहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों वो स्टूडेंट्स जिन्होंने भी 12th पास किया है वो इस कोर्स को कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। वो किसी भी स्ट्रीम से हो कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों हमने आज बात किया चारों टॉपिक पे, होटल मैनेजमेंट में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, उन कोर्सेज को मैंने आपको अब डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया, ब्रीफली समझाया उन चारों में क्या होता है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट में क्या होता है, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट में क्या होता है, बीएससी इन होटल मैनेजमेंट में एंड कैटरिंग में क्या होता है, और बीबीए इन होटल मैनेजमेंट में क्या होता है। मैंने बताया ये कितने साल का होता है, ये कितने साल का होता है, ये कितने साल का होता है, ये कितने साल का, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ये 2 साल, ये 3 साल, ये 4 साल, ऐसे करके जो भी होता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। दोस्तों अभी भी अगर आपको कोई डाउट है होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, मेरी इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो आपको और जानना है वो नीचे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर दिएगा जिसमें मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।